स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आपतक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय से, जहां पर सरकार की वादा खिलाफी से नाराज एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज से लेकर ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एनएचएम कर्मचारियों ने संगठन के जिला अध्यक्ष शिशिर कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि संघ के प्रांतीय नेतृत्व से हुई कई बार की बातचीत के बाद बनी सहमति के बाद भी उन्हें अमल में नहीं लाया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार संघ आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी तरह सीएससी लालगंज पर संघ के महामंत्री ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया है। अगली खबर हदगुआ थाना इलाके से है, जहां पर बाग में छप्पर डालकर मवेशियों व खेत की रखवाली करने वाले वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वृद्ध के हत्या की जानकारी होते ही ग्रामीणों में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी भरकम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार हदगुआ थाना इलाके के समसपुर लोहारन के पूर्वा गांव निवासी धुन्नी लाल यादव दूर संचार विभाग में कर्मचारी थे। 5 वर्ष पूर्व वह सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे तो घर से 100 मीटर दूर आम के पेड़ के नीचे छप्पर डालकर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। बाग में ही कुछ मवेशियों को भी पाल लिया जिनकी रखवाली करने लगे। वह घर बहुत ही कमाते थे, परिजन वहीं पर उनका खाना पहुंचा देते थे। बुधवार की शाम भी परिजनों ने खाना पहुंचा दिया था, जिसके बाद वह खाना खाकर सो गए। गुरुवार की भोर 4 बजे धुन्नीलाल की बड़ी बहू उषा देवी जब बाग में पहुंची तो चारपाई पर धुन्नीलाल का शव देखकर शोर मचाने लगी। शोर सुनकर ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे तो धुन्नीलाल का शव चारपाई पर पड़ा था। वृद्ध की हत्या की जानकारी मिलते ही हदगुआ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा, प्रभारी सीओ पवन द्विवेदी, कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट की टीम ने साक्ष्य को एकत्रित किया। मामले में मृतक के बेटे धीरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही अरुण यादव पुत्र राम कुमार, तूफान कप्तान पुत्र गण भैया राम, शंकर लाल यादव पुत्र आनंद के खिलाफ जमीनी रंजिश में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर घर से चाय पीने के लिए निकले अधेड़ का शव कुआं में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुंडा कोतवाली इलाके के बल्दी कपूरवा बरई गांव निवासी मोहन लाल पटेल पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल पटेल गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे घर से चाय पीने की बात कहकर निकला, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा। इस पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच गांव के कुछ लोग गांव के किनारे बाग में स्थित कुएं के पास चप्पल आदि देखा तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद कुएं में देखा तो शव उतरा रहा था। कुएं में शव उतराने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे एसआई शिव प्रसाद रावत ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। कुएं में शव मिलने की जानकारी होने पर पहुंचे मृतक मोहन लाल के नाती राहुल पटेल ने शव की शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर कंधई थाना इलाके से है, जहां पर एक सप्ताह पूर्व मोबाइल की दुकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कंधई थाना इलाके के सालीपुर निवासी पीयूष सिंह ने किशुनगंज बाजार के हर्ष नगर में पीयूष टेलीकॉम सेंटर के नाम से मोबाइल की दुकान खोल रखी है। बीते 23 नवंबर को दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने गल्ले में रखा 85,000 रुपए नगद के साथ लाखों रुपए का मोबाइल उठा ले गए थे। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।
आरोपित की निशानदेही पर देवकली मोड़ पर प्लास्टिक की बोरी में रखे 11 स्मार्टफोन और 19 कीपैड फोन बरामद कर युवक को जेल भेज दिया है। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ 4 लोग और थे। आरोपित ने अपना नाम रजनीश सरोज, ग्राम असौरवन, थाना पीपरपुर, जनपद सुल्तानपुर बताया। अन्य साथियों में अभिषेक, वीरू सिंह निवासी अर्जुनपुर थाना लम्बुआ जिला सुल्तानपुर के अलावा कंधई थाना के बिजहरा निवासी सूरज सरोज तथा बीएम सिंह पता अज्ञात बताया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर पट्टी कोतवाली से है, जहां पर पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले 3 लोगों को 2 तमंचा व 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार पट्टी कोतवाली में तैनात एसआई एसएम कासिम अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे कि तभी मुखबिर ने सूचना देकर बताया कि थाना इलाके के इटहरा गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले 3 लोग खड़े हैं। सूचना मिलते ही एसआई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ थाना इलाके के नेबर डानूपुर निवासी सचिन कुमार सरोज पुत्र राम कुमार, हिमांशु सरोज पुत्र राम कुमार सरोज, रामगढ़ निवासी अनिल कुमार सरोज पुत्र महावीर को 2 तमंचा, 315 बोर व 2 कारतूस के साथ धर दबोचा, जहां से तीनों को कोतवाली लाया गया, जहां पर मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।